हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ समर के कुछ बहुत ही यमी ड्रिंक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी वे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ड्रिंक मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का मीठा ड्रिंक, जो कि गर्मी के दिनों में बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। सो सत्तू रोस्टेड चने से बनाया जाता है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल जिन्हें रहता है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है, और साथ में इसे वेट लॉस के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई फाइबर रहता है। इसे आप कभी खाने को मन नहीं करे ब्रेकफास्ट, तो उस टाइम में भी आप यूज कर सकते हो। सो इधर मैंने हाफ कप ऑफ सत्तू लिया है। सो अगर हमने हाफ कप लिया है सत्तू, तो हमें एक कप पानी लेना है। आप अगर थोड़ा ठंडा पीना चाहते हो तो आप चिल्ड पानी भी यूज कर सकते हो। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रह जाए। ये बहुत ही यमी रहता है और बहुत ही इससे पेट भर जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में कभी कभी हमें ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करता है, तो आप इसे भी पी के रह सकते हो। सो मैं इसमें 3 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हो। सो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। सो इसमें आप देख ही सकते हो कि मैं अब ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून ऑफ काला नमक। काला नमक देने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है। और अब मैं इसमें नींबू की कुछ बूंदें ऐड कर रही हूँ। ये जरूर आप ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी होता है। सो इसे हमें मिक्स करके कर लेना है। सो देखिए फटाफट हमारा ये ड्रिंक तैयार हो गया है। सो इसमें हम कुछ आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं, साथ में हम इसके डेकोरेशन में नींबू भी काट के ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ड्रिंक होता है। श्योरली आप ट्राई कीजिए, और कोई गेस्ट भी आता है तो आप इसे वेलकम ड्रिंक के रूप में भी मैं बनाने जा रही हूँ वर्जिन मोहितो। ये ड्रिंक रेस्टोरेंट में बहुत ही मिलता है, आप घर में भी बहुत ही इजीली बना सकते हो। इसके लिए मैंने अराउंड 3 स्पून शुगर लिया है, और इसे हमें पानी के साथ मिक्स करके एक घोल तैयार करना है। सो ये बहुत ही टेस्टी रहता है। सो अब इस घोल को मैं एक ग्लास में डाल रही हूँ, और आप घर में कोई गेस्ट आए तो इसे फटाफट आप इसे सर्व कर सकते हो। सो इधर मैंने कुछ चॉप्ड मिंट मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसमें अराउंड 1 स्पून जैसा नींबू का रस डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे प्लेन सोडे की जगह पे मैं स्प्राइट यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने इसमें थोड़ा कम नींबू डाला है, साथ में इसमें मैं कुछ आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ। सो इसमें मैं अराउंड 1 ग्लास जैसा स्प्राइट ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्लेन सोडा ऐड करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा नींबू का रस डालना है, और बिलीव कीजिए बहुत ही टेस्टी होता है। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप गर्मी में इसे एज अ ड्रिंक सर्व कर सकते हो। सो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ड्रिंक है, आप श्योरली ट्राई कीजिएगा। सो जस्ट फॉर अ डेकोरेशन आप इसमें एक लेमन आप इसमें लगा के सर्व कर सकते हो। सो अब थर्ड मेरी ड्रिंक है मिंट लेमोनेड, जिसे हम सिकंजी भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। सो इसमें मैं कुछ आइस क्यूब डाल रही हूँ, और इसे आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। सो आप बहुत ही अच्छा, ये हाइड्रेशन के लिए है। सो अब इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब डाला हुआ है। सो इसके साथ मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 स्पून जैसा नींबू का रस।
और समर में इसे पीने से हमारे शरीर को भी थोड़ा ठंडक महसूस होता है। सो इसमें मैं थोड़ा अदरक मैं डाल रही हूँ, चॉप्ड अदरक और थोड़ा मिंट। अदरक भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सो इसमें मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ, अराउंड हाफ टेबल स्पून। इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है काला नमक डालने से। सो आप जो सिकंजी हम लोग बनाते हैं इसमें मिंट आप नहीं भी डाल सकते हो। सो इसमें मैं स्वाद अनुसार चीनी डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालो, क्योंकि कोई कोई कम शुगर खाते हैं तो अपने स्वाद अनुसार डालना चाहिए। सो अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। सो अभी हमें इसे अच्छी तरह मिक्सर में चला लेना है। सो अब फटाफट हमारा ये जो ड्रिंक है तैयार हो गया, मिंट लेमोनेड, जो कि आप पूरे दिन घूमते फिरते थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हाइड्रेटेड रखता है। सो इसे आप गेस्ट को भी आप इसे सर्व कर सकते हो। लास्ट हमारा समर ड्रिंक है आम पन्ना। सो आम पन्ना बहुत ही यमी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप गर्मी में तो आम हर जगह मिल रहे होंगे अभी कच्चे आम, सो पक्का ट्राई करो, क्योंकि आम जो होता है, जो आम पन्ना पीने से हमारे शरीर को थोड़ा ठंडक मिलता है, और जो लू चलता है इंडिया में वो भी उससे पीने से, लू से भी छुटकारा मिलता है। सो इस तरह हरा आम को मैं छील के प्रेशर कुकर में डाल दूँगी पानी डाल के, और अराउंड 2-3 विसल लगने के बाद उसे हमें निकाल लेना है। सो आफ्टर प्रेशर कुकर करने के बाद ये आम पूरा पक चुका है। सो इसके पल्प को हम इस तरह से निकालेंगे, एक फोक और चम्मच की स्पून की हेल्प से हम इस तरह से पल्प को उसे निकाल लेंगे, और हम इस तरह से इस पल्प को ग्राइंडर में डालेंगे। सो अब इसमें मैं अराउंड 3 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें हाफ स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं कुछ मिंट की पत्तियां डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे छोड़ सकते हो मिंट की पत्ती को। सो इसे ग्राइंड कर लेना है हमें, और ये ग्राइंड करने के बाद इस तरह का एक मटेरियल तैयार होता है जो हम फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी कोई आपके घर में गेस्ट आए तो आप इसे यूज कर सकते हो। सो अब ड्रिंक बनाने का टाइम शुरू हो गया है। अब इसमें मैं कुछ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। और इसमें मैं अराउंड 2 स्पून जैसा जो हमने बनाया था मैंगो का पल्प से वो डाल रही हूँ। और इसमें मैं हाफ स्पून जैसा काला नमक ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा जो काल जीरा भुना हुआ, जो रोस्ट किया हुआ जो पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। सो इट्स टाइम टू ऐड द वाटर एंड मिक्स इट वेरी वेल। और ये बहुत ही यमी हुआ था, बहुत ही टेस्टी हुआ था। सो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो आप फटाफट ये बना के तैयार करके दे सकते हो। अगर ये आम का जो पल्प का जो पेस्ट बना हुआ रहता है आम पन्ना, और बहुत ही अच्छा रहता है गर्मी में, बहुत ही टेस्टी रहता है। सो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा रहा लगा ये समर ड्रिंक, और अगर अच्छा लगा तो थम्स अप देना ना भूलिए। और मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम जो भी विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। सो श्योरली आप बताइए